नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ डायनोकॉम टैंकर्स के बारे में। डायनोकॉम टैंकर्स कंपनी कैसी है? डायनोकॉम के पास भी सिर्फ टैंकर ही टैंकर है। डायनोकॉम कंपनी बेस्ट है, अच्छी कंपनी है, रेपुटेशन अच्छी है इस कंपनी की, लेकिन जल्दी फ्रेशर को ये हायर नहीं करती। और अब एक दो एक्सपीरियंस जैसे टॉम हो गई ना, ये भी 20-25 मंथ का टैंकर एक्सपीरियंस मांगती है। और ओवरऑल आपको पास सब सर्टिफिकेट होने चाहिए तभी आपको लेती है। जो डीसी होती है, तीनों डीसी मांगती है। इसके पास तीनों है, केमिकल गैस टैंकर, तीनों टैंकर मिल जाएंगे आपको इस कंपनी के पास। कॉन्ट्रैक्ट 9+-1 का है और सैलरी भी अच्छी है। फ्रेशर को एज़ 500-600 डॉलर मिल जाती है सैलरी। और जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, एबी ऑयलर बोसन बनोगे, तो आपकी सैलरी हायर हो जाती है, 1500 से 1600 तक पहुँच जाएगी कम आराम से। तो ये फ्रेशर को जल्दी लेती नहीं, अगर आप थोड़ा वेट करोगे, एक दो सेल टैंकर पे मार के अप्लाई करोगे तो डायनोकॉम टैंकर ले लेती है। और यूएस वीज़ा मस्ट है इस कंपनी में, अगर चाहोगे तो यूएस वीज़ा मांगती है, नहीं है तो आपको निकलवा के भी देती है कंपनी। और क्विजीन पूरा इंडियन है, खाना पीना बेस्ट है, इंडियन मिलेगा आपको यहाँ पे खाना पीना डायनोकॉम टैंकर्स में। और बंदे आपको हर कंट्री के मिलेंगे डायनोकॉम में, मतलब मल्टी क्रू लेती है, हर फिलिपिनो, मलेशियन, इंडोनेशियन, रशियन सब मिल जाएंगे आपको, मल्टी क्रू मिलते हैं। ओवरऑल बता दूं तो बेस्ट है कंपनी। और वाईफाई तो इस कंपनी में अभी पहले था नहीं, अब तो शायद से हो गया होगा, पहले नहीं था इस कंपनी में वाईफाई वगैरह का सिस्टम। अब सब में लग रहा है, धीरे धीरे सब में लग जाएगा, 2020 तक हर वैसे उस पर वाईफाई हो जाएगा। तो सही है, अच्छा है, ओवरऑल बता दूं तो बेस्ट कंपनी है अगर डायनोकॉम टैंकर पर आपको सेल करना है। लाइफ अच्छी है, अगर आप एज अ फ्रेशर ट्राई करोगे तो नहीं लगेगी फ्रेशर, तो एक्सपीरियंस ये भी कंपनी मांगती है, टैंकर का ही एक्सपीरियंस मांगेगी। तो जैसे ही आपके पास टैंकर का एक्सपीरियंस होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कंपनी में। सो इतना ही था बताने के लिए डायनोकॉम के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।